बाद से एक बड़ी खबर है। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप यहां पर लगा है। एक छात्र ने पड़ोसी परिवार पर यह आरोप लगाया है। युवक और उसकी मां पर यह आरोप लगाया गया है। धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश वो कर रहे थे। पुलिस ने छात्र की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोदी नगर थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर की यह घटना हम आपको बता रहे हैं। छात्र की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। मोदी नगर थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है एक छात्र और उसके परिवार पर। अमित राणा ज्यादा जानकारी देंगे, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या ये पूरा मामला था, धर्म परिवर्तन का दबाव एक परिवार बना रहा था? जी, आपको बताना चाहूंगा, बीए में पढ़ने वाला एक छात्र है जो कि मोदीनगर थाना क्षेत्र में रहता है। इसके पड़ोस में ही रहने वाला युवक है और वो और उसकी माँ इस पर लगातार इस बात का दबाव बनाए थे कि वो इसके धर्म परिवर्तन कराते हैं, और जिसके एवज में इसको पैसे की एक मोटे पैसा देने की बात कही गई थी। हालांकि बताया जा रहा है कि जो पीड़ित छात्र है उसकी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है दोनों माँ और बेटे के खिलाफ, जो कि इसको माइंड कन्वर्ट करने के बाद इसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बना रहे थे। यही कारण भी रहा कि हापुड़ से कुछ लोग के घर पर पहुंचे तो हिंदू युवा वाहिनी के लोग वहां पर पहुंचे और थाने पर जाकर इस बात की लिखित में शिकायत दी। साथ ही छात्र भी उनके साथ गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों ही को हिरासत में ले लिया। पूछताछ की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात करते हैं प्रयागराज की। हंडिया थाने के दो सिपाही सस्पेंड किए गए हैं। अवैध वसूली के आरोप में कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर ने दोनों को सस्पेंड कर दिया है। दोनों के खिलाफ बिठाई है विभागीय जांच। ये एक और बड़ी जानकारी। भदोही में ढाबा संचालक से वसूली करने का आरोप भी लगा है। धमकी देकर 50,000 रुपए मांगने का भी आरोप लगाया गया। तो हंडिया थाने के दो सिपाही सस्पेंड किए गए हैं और अवैध वसूली के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में हो रहे एएसआई सर्वे जो हो रहा था, जांच जो हो रही थी, उसे रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े एक पुराने मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है और ऐसे में इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली बेंच के सामने मस्जिद कमेटी की अर्जी दाखिल की जा सकती है। अदालत से इस मामले में तुरंत सुनवाई किए जाने का अनुरोध भी किया जा सकता है। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगाई है। तो आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर, ज्ञानवापी से जुड़े एक केस को लेकर सुनवाई आज होनी है और उसी केस के साथ सर्वे पर सुनवाई संभव है। तो कोर्ट में क्या क्या हुआ वो आपको हम बता रहे हैं। एएसआई क्या कर रही है ये पूछा सीजीआई ने कि खुदाई तो नहीं कर रही, और कई ऐसी बातें कही गई। यूपी सरकार बताए कि एएसआई किस तरह से काम कर रही है, ये सभी बातें कोर्ट में सीजीआई ने कही हैं। और सरकार से 11:15 बजे तक का वक्त जब सरकार ने मांगा तो उसके बाद कहा कि मुस्लिम पक्ष चाहे तो हाईकोर्ट जा सकता है, ये सॉलिसिटर जनरल की ओर से कहा गया। इसके अलावा 11:15 पर सरकार ने कोर्ट में ये जवाब दिया है, केवल वीडियोग्राफी और मैपिंग हुई है, ये भी यूपी सरकार का कहना रहा है। और कोर्ट में क्या क्या हुआ विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। यूपी सरकार ने जो जवाब दाखिल किया उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि कोई ऐसी खुदाई नहीं हुई, एक हफ्ते तक किसी तरह की खुदाई ना हो ये भी सुनिश्चित किया गया है। मुस्लिम पक्ष चाहे तो हाईकोर्ट जा सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट पहले भी एक सर्वे मामले को लेकर रोक लगा चुका है, तो वहीं दूसरे सर्वे मामले की इजाजत कैसे दे दी ये भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से वहां पर अपनी दलील रखी गई है। मुस्लिम पक्ष ने यह भी दलील दी कि आखिर इतनी जल्दी क्यों है। 15वीं शताब्दी से ये स्थान मस्जिद रहा, ये सभी बातें मुस्लिम पक्ष ने वहां पर रखी है।
और अब आपको बताते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, जो कि हमने अभी आपको बताया। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। इटावा में हत्या के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से मुख्य आरोपी नवीन घायल हुआ है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। विनय यादव के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा और कई कारतूस बरामद किए गए हैं। नवीन पर 17 जुलाई को फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में नवीन मंडी के पास छात्र शिवम यादव की हत्या का आरोप है। वारदात के बाद से विनय यादव लगातार फरार चल रहा था। विनय की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें सक्रिय थी और इस हत्याकांड के 3 आरोपी को गिरफ्तार पुलिस पहले ही कर चुकी है।